Hello students, I welcome you all to our online learning platform. Today we will be dealing with democracy and equality. In this video, we will get to know about the meaning of democracy, definition of democracy, key elements of democracy, characteristic features of democracy, and finally we'll get to know about some other forms of government. So let us start with the meaning of democracy. The word democracy has been derived from Greek words demos means people and kratos means rule. Democracy शब्द ग्रीक वर्ड से आया है demos जिसका मतलब people होता है and kratos जिसका मतलब rule होता है. यानी कि democracy word का मतलब हुआ rule of people या rule by the people. लोगों के द्वारा राज किया जाना. यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग खुद पे खुद राज करते हैं या तो डायरेक्टली या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में अगर हम हर एक को अधिकार दे देते हैं कि वो खुद पे खुद राज करे तो हो सकता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हों. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके अपने में से ही एक लीडर चूज कर लेते हैं जो उनके बिहाफ में डिसीजन लेता है. इसे ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव चूज करना. तो डेमोक्रेसी में सरकार जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भी बनाई जाती है. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है और लोगों से ही बनी होती है. जैसे कि अमेरिका, इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है कहने का मतलब हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड तो है और हमारे यहाँ जो इलेक्टेड हेड है वो प्रेसिडेंट है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट होता है मतलब कि हम पब्लिक प्रेसिडेंट को चूज नहीं करती हैं, बल्कि हम पब्लिक जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है मिनिस्टर्स को एंड ये मिनिस्टर्स मिल करके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं. यानी और बात ऐसी भी है कि इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कहने का मतलब कि हर कोई यहाँ खुद पे रूल नहीं कर रहा है बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके अपना हेड खुद चूज कर ले रहे हैं, अपना लीडर चूज कर रहे हैं और वही लीडर जो है उस ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट कम्स क्या क्या की एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के. पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली है ये है कि इस सरकार में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है. दूसरा, लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सके और सरकार की कोई भी पॉलिसी अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो वो आसानी से उन्हें क्रिटिसाइज कर सके. साथ ही हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट मिले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. और कभी अगर मान लीजिए उनका झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो जो भी उस इलाके का लॉज है उसके बेसिस पर पे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए. और ये लॉ जरूरी है कि हर एक के लिए सेम हो. यानी कि ये जो आपका रिजॉल्विंग है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए. फीचर्स देखें तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री के जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं सबको वोटिंग राइट्स है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. जैसे हम इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ वोटिंग राइट 18 साल है. तो अगर हम इंडिया के टर्म्स में बोले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर कोई जो 18 या 18 से ऊपर का है उसे पूरा अधिकार है कि वो वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है. उसके वोट को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन को लेकर के, और उन्हें कोई वोट करने से रोक नहीं सकता है. बट वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, ये भी कंपलसरी है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड हो, क्योंकि अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेगी. वोटर आईडी कार्ड इज अ प्रूफ कि आप उस एरिया के सिटीजन हो. नेक्स्ट कम्स डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. यानी कि जो गवर्नमेंट बनती है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनती है और उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होते हैं. यानी कि फिर से वोटिंग होती है और फिर से रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है. अगर पुरानी सरकार पसंद आती है तो वो वापस री इलेक्ट हो सकती है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है. जैसे 2014 इलेक्शन बीजेपी जीती थी, शायद उनकी रूलिंग पसंद की गई है पब्लिक के द्वारा, इसलिए 2019 के इलेक्शंस में उन्हें फिर से री इलेक्ट किया गया. अगर इंडिया में देखें तो इलेक्शंस जो है वो हर 5 साल में एक बार होता है.
यानी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इलेक्शंस हमारे यहाँ कैरीड आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट कम्स, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और इलेक्शन जीत करके सरकार भी बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? तो ये वो ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हैं जिनका सेम पॉलिटिकल व्यूज होता है, यानी कि वैसे लोग जिनका पॉलिटिकल व्यूज सेम होता है वो अपने एक ग्रुप बनाते हैं और मिल करके एक टीम की तरह इलेक्शंस लड़ते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, अलग अलग देशों में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी अलग अलग है। कोई देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे चाइना में एक ही पार्टी है जो रूल कर सकती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा होता है डुअल पार्टी सिस्टम, वहाँ पे दो पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन अक्सर कॉन्टेस्ट करती हैं। और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, जैसे कि हमारे इंडिया में देर आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लीजिए कोई पार्टी को लेजिस्लेचर में 50 से ज़्यादा सीट्स मिले, 50% से ज़्यादा सीट्स मिले, यानी कि हाफ ऑफ द सीट से वो ज़्यादा अगर जीता है, तो उस केस में वो बिना पावर शेयरिंग के सरकार बना सकता है, और वो पार्टी जो सरकार बनाती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जितनी भी बाकी पार्टीज बची जो इलेक्शंस हार गई हैं, वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं मतलब कि वो अपोजिट में बैठते हैं, सरकार के जो भी नियम कानून आते रहते हैं, जो भी पॉलिसीज वगैरह आते हैं उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको उसमें जो खामियां हैं वो ढूंढने का काम करते हैं। नेक्स्ट कम्स, व्हाट इफ अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो अगर 50% ऑफ द सीट्स नहीं मिले तो उस केस में दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके सरकार बना सकती है, और इस तरह की सरकार को हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम देख लें तो कौन कौन से। पहला है मोनार्की। इस तरह की सरकार में मोनार्क यानी कि राजा या रानी जो है उन्हीं के पास पूरा पावर होता है, वही पावर कंट्रोलर होते हैं और यही लोगों पर पे राज करते हैं। ये जो पोस्ट होता है मोनार्की का वो हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी मतलब हो गया कि मैं अगर राजा हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा ही राजा बनेगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, यानी यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं और पीपल के पास कोई अधिकार नहीं अपना राजा या रानी चूज करने का। जब मोनार्क मर जाता है तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि उस मोनार्क का जो सबसे बड़ा बेटा है, जो बड़ा बेटा है वही राजा बनता है, और मोनार्की में मोनार्की डिसाइड करता है कि लोगों के पास अधिकार कितना होगा और सब्जेक्ट्स को क्या क्या फ्रीडम मिलेंगे। मैं यहाँ एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है जिन पे रूल किया जा रहा है, यानी कि सिटीजन्स या पब्लिक जिन पे रूलिंग हो रही है बाई दी मोनार्क्स। अच्छा, मोनार्की के अंदर में एक और काइंड ऑफ मोनार्की, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक्चुअली ये बाद में एग्जिस्टेंस में आया। इसके तहत क्या होता है ना, मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, यानी कि मोनार्क को अपना कुछ पावर वहां के सब्जेक्ट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, द पावर टू रूल पीपल रेस्ट ऑन वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इस तरह की सरकार में लोगों पे राज करने का हक जो है वो किसी एक बंदे के पास होता है और नहीं तो एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के पास होता है, और ये पार जो है वो फोर्सफुली ऑप्टेन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, हिटलर जबरदस्ती गलत तरीके से राजा बन गया, ये बन गया, डिक्टेटर बन गया और उस इलाके पे कंट्रोल करने लगा, जर्मनी पे यानी कि, और वहां पर पे लोगों पे अपना हक जमाने लग गया। डिक्टेटर लोगों का हक बहुत तक छीन लेता है बहुत हद तक, और जो भी इस सरकार को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता है या हर बार शांत कर दिया जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया है। सो हेयर आई हैव सम असाइनमेंट क्वेश्चंस, काइंडली सॉल्व दीज क्वेश्चंस एट योर होम, और इवन यू कैन सॉल्व इट इन द कमेंट सो दैट वी कैन गेट टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट। थैंक यू फॉर टुडे।